हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अजूर पावर शेल के बारे में कि अजूर पावर शेल क्या है और अजूर पावर शेल की मदद से हम किस तरीके से अजूर एनवायरनमेंट को कनेक्ट करते हैं, देन फर्दर वहां पे जाके डिफरेंट कमांड्स की मदद से किस तरीके से डिफरेंट रिसोर्सेज को यहां पे क्रिएट किया जाता है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंट वेज हैं या डिफरेंट टूल अवेलेबल हैं जिनके थ्रू कोई यूजर अजूर एनवायरनमेंट पे यहाँ पे कनेक्ट होके उसके अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज को यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। तो पहले दो ऑप्शन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, यानी कि अजूर पोर्टल के थ्रू किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, देन फर्दर रिसोर्स क्रिएट किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन अजूर CLI क्या होता है, कैसे इसे इंस्टॉल किया जाता है, देन फर्दर किस तरीके से कोई यूजर इस अजूर CLI की मदद से आपके अजूर एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद ये रिसोर्सेस क्रिएट करेगा। इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे अजूर पावर शेल के बारे में। तो जब भी आप अपने लैपटॉप पे अजूर पावर शेल यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, और लेट से आपका जो लैपटॉप है उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उस केस में कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उन मिनिमम रिक्वायरमेंट को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो जब भी हम पावर शेल की मदद से अजूर एनवायरमेंट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल अपने पावर शेल के अंदर डिप्लॉय करना होता है। इस मॉड्यूल का नाम है अजूर AG पावर शेल, और इस मॉड्यूल को पावर शेल के अंदर डिप्लॉय करने से पहले हमें कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं जिन्हें फुलफिल करना है। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पर जो पावर शेल है उसका वर्जन एटलीस्ट पावर शेल 5.1 होना चाहिए। तो अगर आपके पास विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे वर्जन है 16.07 और हायर, तो उस केस में पावर शेल 5.1 ऑलरेडी उस पर इंस्टॉल्ड होता है। अगर ये इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपको इसे अपडेट करना पड़ेगा। दूसरा क्राइटेरिया जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि .NET फ्रेमवर्क 4.7.2 और लेटर आपके लैपटॉप पे डिप्लॉय होना चाहिए। इसके बाद मेक श्योर यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पावर शेल गेट, एंड फाइनली इस कमांड की मदद से आप अजूर पावर शेल मॉड्यूल को अपने पावर शेल के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो एक बार प्रैक्टिकली डिप्लॉय करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पे काम करता है। तो इसके लिए आप आइए गूगल पे एंड टाइप कीजिए अजूर पावर शेल, हिट एंटर, और जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इस पर आप क्लिक कर लीजिए। सो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट किया है अजूर पावर शेल, एंड राइट हैंड साइड पे इंस्टॉलेशन के डिफरेंट प्रोसेस यहाँ पे मेंशन हुए हैं। तो हम लोग क्लिक कर लेते हैं पहले लिंक पे, इंस्टॉल अजूर पावर शेल। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि जो हमारे पावर शेल का वर्जन हो वो एटलीस्ट यहाँ पे 5.1 होना चाहिए। तो अगर आप वर्जन चेक करना चाहते हैं तो वर्जन चेक करने के लिए जो कमांड है वो है psvergontable.psvergon। तो इस कमांड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिए पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, हिट एंटर। तो अभी आप देख सकते हैं जो आपका वर्जन है दैट इज 5.1। तो पहला क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। जो दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है वो ये है कि मुझे यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन पॉलिसी डिफाइन करनी है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी एग्जीक्यूशन पॉलिसी अभी कन्फिगर्ड है, तो उसके लिए जो कमांड है वो है get-execution-policy-list। तो आप यहाँ पे आइए एंड टाइप कीजिए get-execution, इसके बाद टैब प्रेस कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली ये आपके लिए इस कमांड को रिजॉल्व कर लेगा, -list एंड हिट एंटर। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो एग्जीक्यूशन पॉलिसी यहाँ पे डिफाइंड है वो है रिमोट साइंड, और जो उसका स्कोप है दैट इज फॉर करंट यूजर। अगर आपके केस में यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा हुआ है तो उस केस में सबसे पहले आपको इसको कन्फिगर करना है रिमोट साइंड पे। तो इसे कन्फिगर किस तरीके से किया जाता है, तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पावर शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन पॉलिसी मस्ट बी सेट टू रिमोट साइंड और लेस रेस्ट्रिक्टिव। तो यहाँ से हम एक एग्जीक्यूशन पॉलिसी सेट कर रहे हैं जिसका नाम है रिमोट साइंड और जिसका स्कोप है करंट यूजर। आप इसे पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद आप आइए अपने पावर शेल पे और इसे पेस्ट करने के बाद एंटर हिट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक वार्निंग डिस्प्ले हो रही है रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन पॉलिसी चेंज। तो ये आपको वार्न कर रहा है कि द एग्जीक्यूशन पॉलिसी helps protect you from script that you do not trust. Changing the execution policy might expose you to the security risks described in the about execution policy help topic at this link. तो अभी हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं yes, हम लोग ये चेंज करना चाहते हैं, hit enter। तो जो execution policy है वो आपकी चेंज हो गई। इसके बाद आप दोबारा इस कमांड को यहाँ पर रन करेंगे तो आप देखेंगे जो required changes हैं यहाँ पे हो जाएंगे।
इसके बाद फाइनली जाके मुझे अपने Azure PowerShell मॉड्यूल को इस PowerShell के ऊपर डिप्लॉय करना है। इसके लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक कमांड यहाँ पे दिखाई दे रही है, इंस्टॉल हाइफन मॉड्यूल हाइफन नेम AG। तो AG नाम से एक PowerShell मॉड्यूल यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है जिसका स्कोप है करंट यूजर। एक रिपोजिटरी क्रिएट हो रही है जिसका नाम है PS Gallery। तो पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देन आप आइए अपने PowerShell पे एंड पेस्ट इट एंड हिट एंटर। तो अभी जो मॉड्यूल का इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा और एक बार जब ये मॉड्यूल यहाँ पे डिप्लॉय हो जाता है उसके बाद आप अपने Azure एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर जाके कोई भी रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जैसा हमने डिस्कस किया जो आपके PowerShell का वर्जन होना चाहिए मिनिमम 5.1 यहाँ पे होना चाहिए। द अज्योर एजी पावर शेल मॉड्यूल इज सपोर्टेड फॉर यूज विद पावर शेल 5.1 ऑन विंडोज। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे प्लेटफॉर्म की लाइक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस केस में जो पावर शेल का वर्जन हो वो एटलीस्ट 7.x एंड लेटर यहाँ पे कन्फिगर्ड होना चाहिए। द अज्योर एजी पावर शेल मॉड्यूल वर्क विद पावर शेल 7.x एंड लेटर ऑन ऑल प्लेटफॉर्म। तो ये जो वर्जन है ये सारे प्लेटफॉर्म पे काम करता है, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो या मैक हो। लेकिन अगर आप विंडोज की बात करें तो PowerShell 5.1 भी अगर रहेगा तो आप अपने मॉड्यूल को डिप्लॉय कर सकते हैं। Azure PowerShell हैज नो एडिशनल रिक्वायरमेंट व्हेन रन ऑन PowerShell 7.x एंड लेटर। अगर आप अपने वर्जन को चेक करना चाहते हैं तो ये कमांड है जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक बार आप अपने मॉड्यूल को डिप्लॉय कर लेते हैं तो डिप्लॉय करने के बाद जो कमांड है जिसके थ्रू आप ऑथेंटिकेशन करते हैं या साइन इन करते हैं Azure एनवायरनमेंट के अंदर, उस कमांड का नाम है कनेक्ट हाइपन AG अकाउंट। तो जैसे ही आप ये कमांड यहाँ पे मेंशन करते हैं तो ये एक वेब ब्राउजर ओपन करेगा जहाँ पे आपको अपने क्रेडेंशियल मेंशन करने हैं। और ये लिंक है आपके Azure डॉक्यूमेंटेशन का जहाँ पे आप Azure PowerShell से रिलेटेड डिफरेंट कमांड्स को रिव्यू कर सकते हैं। तो अभी मॉड्यूल यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसके बाद हमें अपने Azure एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होना है। तो जो कमांड होगी वो है कनेक्ट हाइफन AG अकाउंट। अगर आप इसे टैब भी प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करेगा, देन हिट एंटर। तो यहाँ ऑथेंटिकेशन के लिए इसने पोर्टल को ओपन किया है, तो जो भी आपका अकाउंट है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं यूज अनदर अकाउंट। तो मेरे केस में जो अकाउंट है दैट इज लर्निंग हब टैक्स 16, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे क्लिक ऑन इट। तो अभी कनेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो चुका है, साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वार्निंग भी हैं। इसके अलावा ये आपको ये भी बता रहा है कि जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है वो इस पर्टिकुलर टेनेंट ID के साथ हुआ है। तो अगर आप मेरे Azure पोर्टल पे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 टेनेंट क्रिएट किए हुए हैं और ये है इन टेनेंट के टेनेंट ID। तो अभी एट प्रेजेंट जिस टेनेंट के साथ मैं कनेक्टेड हूँ वो है ये फर्स्ट वन Apple। तो अगर आप इसके टेनेंट ID को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं लास्ट में लिखा हुआ है FA16, और जो कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है वो भी FA16 के साथ यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे टेनेंट के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकें तो उस केस में आपको सेम कमांड यहाँ पे मेंशन करनी है, कनेक्ट हाइफन AG अकाउंट। इसके बाद आप हाइफन मेंशन कीजिए एंड यहाँ पे टाइप कीजिए टेनेंट, प्रेस टैप एंड ID, प्रेस टैप। तो इसने रिजॉल्व कर लिया और यहाँ पे आपको टेनेंट ID मेंशन करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस केस पे कनेक्ट होना चाहता हूँ अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी के साथ और उसका जो टेनेंट ID है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। अगर आप चाहें तो इस टेनेंट ID को यहाँ से भी कॉपी कर ले सकते हैं। तो ये टेनेंट ID बेसिकली मेरे डिफॉल्ट टेनेंट का ID है, तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लीजिए, देन हिट एंटर। इसके बाद दोबारा ये आपसे क्रेडेंशियल पूछ रहा है, क्लिक ऑन योर अकाउंट, क्लिक ऑन ईमेल learninghubtax16@gmail.com और कोड मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ अपने ईमेल से कॉपी करके, देन क्लिक ऑन वेरीफाई। तो अभी मैं अपने डिफॉल्ट डायरेक्टरी या डिफॉल्ट टेनेंट के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका हूँ। एंड इसके बाद आप डिफरेंट कमांड की मदद से अपने Azure एनवायरनमेंट के अंदर रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो यह है अपने Azure PowerShell मॉड्यूल को यहाँ पे डिप्लॉय करने का। दूसरा एक तरीका जो है उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए आप आइए सेकेंड ऑप्शन पे, इंस्टॉल विथ MSI। जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए बॉटम तक और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसेट्स का, देन क्लिक ऑन दिस फर्स्ट ऑप्शन AG कमांडलेट्स। इसे हम क्लिक कर लेते हैं तो ये एक MSI आपके लैपटॉप पे डाउनलोड कर रहा है और सेम MSI को जाके हमें इंस्टॉल करना है। तो एक बार जब ये डाउनलोड हो जाए सो डबल क्लिक ऑन इट, एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल,
और अभी आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट अजूर पावर शेल को आपके लिए इंस्टॉल कर रहा है। तो इंस्टॉलेशन अभी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, सो क्लिक ऑन फिनिश। एंड अभी आप यहाँ पे सर्च कीजिए पावर शेल एंड क्लिक ऑन पावर शेल 7। तो इसे यहाँ से लॉन्च कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ से अजूर को कनेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए जो कमांड है वो है कनेक्ट -ag अकाउंट एंड हिट एंटर। तो यहाँ से आप अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए। सो ऑथेंटिकेशन कंप्लीट, यू कैन रिटर्न टू द एप्लीकेशन, फील फ्री टू क्लोज दिस ब्राउजर। सो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश्ड हो चुका है। तो अभी मैं कनेक्टेड हूँ अपने डिफॉल्ट टेनेंट के साथ जिसका आईडी यहाँ पे मेंशनड है। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो कमांडलेट्स की मदद से हम रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप कमांड यहाँ पर रन करें या फिर कमांड यहाँ पर रन करें, ये दोनों अभी कनेक्टेड है आपके अज्योर एनवायरमेंट से और ये डायरेक्टली रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे अज्योर के अंदर। तो अब बात करते हैं कमांड्स की। तो कमांड को स्टडी करने के लिए आप क्लिक कर लीजिए बैक पे एंड देन क्लिक ऑन अज्योर पावर शेल। अगर आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कमांडलेट रेफरेंस नाम से एक लिंक दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज से रिलेटेड मॉड्यूल यहाँ पे दिए हुए हैं। लेट्स से अगर हम बात करें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की, तो ये मॉड्यूल है, इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज से रिलेटेड कमांड है अजूर के लिए। सिमिलरली अगर आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आ जाइए कंप्यूट के अंदर। तो ag.compute नाम से एक मॉड्यूल है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वर्चुअल मशीन से रिलेटेड डिफरेंट कमांड्स यहाँ पर मैंशन की हुई हैं। तो ये कमांड का फॉर्मेट है, राइट हैंड साइड में इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर फर्दर आप किसी कमांड को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन कमांड्स पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कमांड है दैट इज new-agvm क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल में सिंटेक्स दिखाई देगा कि इस पर्टिकुलर कमांड के साथ कौन कौन से पैरामीटर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टू डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ योर वर्चुअल मशीन। अगर आप इसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे दिए हुए हैं जिनकी मदद से आप अपने रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम पहले एग्जांपल की बात करें तो ये एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करेगा जिसका नाम है myvm-credential। तो ब्रैकेट में गेट क्रीडेंशियल यहाँ पे मैंशन है, तो ये मुझे पूछेगा कि जो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं उसका यूजर आईडी क्या है। तो बाकी वर्चुअल मशीन से जो भी सेटिंग्स हैं ये डिफॉल्ट यहाँ पे लेके उस वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर लेगा। एक बार एक डेमो करके देख लेते हैं। तो इसके लिए पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए यहाँ से, देन आप आइए पावर शेल पे, इस कमांड को हम पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपसे यूजर नेम पूछ रहा है, तो यूजर नेम मैं मैंशन कर लेता हूँ संजय KA, पासवर्ड हिट एंटर। तो अभी ये बोल रहा है कि नो साइज वैल्यू हैज़ बीन प्रोवाइडेड, द वीएम विल बी क्रिएटेड विद द डिफॉल्ट साइज दैट इज स्टैंडर्ड _d2s_version3। तो वर्चुअल मशीन के क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि वर्चुअल मशीन अकेले क्रिएट नहीं होती, वो कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क के अंदर क्रिएट होगी। और भी बहुत सारी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं जो हमें डिफाइन करना मैंडेटरी है, क्योंकि हमने जस्ट बोला है कि वर्चुअल मशीन क्रिएट कीजिए, तो उस केस में जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है उसके बेसिस पे ये जाके जो रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं उनकी मदद से रिसोर्सेज भी क्रिएट कर रहा है। यानी एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करेगा, सबनेट क्रिएट करेगा, वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा, डिस्क क्रिएट करेगा, एनएसजी क्रिएट करेगा, आईपी एड्रेस क्रिएट करेगा। तो एक बार जब ये सब कुछ क्रिएट हो जाता है, एक बार हम इसे वेरीफाई कर लेंगे, तो वर्चुअल मशीन अभी डिप्लॉय हो चुकी है। अगर मैं इसे मिनिमाइज करने के बाद पोर्टल पे आऊँ देन क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, तो अभी आप देख सकते हैं एक myvm नाम से वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हुई है और एक रिसोर्स ग्रुप भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है जिसका नाम है myvm और ये क्रिएट हुई है ईस्ट US रीजन के अंदर। जो इसके अंदर डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था विंडोज और ये जो साइज यहाँ पे मेंशन है, साथ ही साथ एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी क्रिएट हुआ है। अगर मैं इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाके देखता हूँ तो सारे के सारे रिसोर्सेज आपको दिखाई देंगे। तो एक वीएम क्रिएट हुआ है, एनआईसी क्रिएट हुआ है, एनएसजी क्रिएट हुई है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस क्रिएट हुआ है, एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हुआ है, साथ ही साथ एक डिस्क भी क्रिएट हुआ है। तो जो भी ये रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं तो ये डिफॉल्ट सेटिंग्स में मेंशन थे। तो मैंने जस्ट बोला कि एक वर्चुअल मशीन मुझे क्रिएट करनी है और पैरेलली साथ में ये सारे रिसोर्स भी यहाँ पे क्रिएट हो गए। इसके अलावा अगर आप रिलेटेड लिंक्स में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिलेटेड लिंक्स में अज्योर वर्चुअल मशीन से रिलेटेड कुछ और भी कमांड यहाँ पे मेंशन है। लाइक अगर आप किसी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप रेफर कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट द कमांडलेट्स।
तो अभी तक जो कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में हमने बात किया, तो दो ऑप्शन हमारे पास हैं, एक है अजोर सीएलआई और दूसरा है पावर शेल। तो इन दोनों केसेस में जब भी हम इन टूल्स की मदद से अपने अजोर एनवायरनमेंट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो कुछ डिपेंडेंसीज हैं जिनको हमें फुलफिल करना है, कुछ एप्लीकेशन है जिन्हें हमें डिप्लॉय करना है। तो इस केस में जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर काफ़ी डिपेंडेंसी है, क्योंकि पहले आपको सारा का सारा सेटअप करना है और उसी के बाद जाके आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे अजूर ने आपको एक इजी ऑप्शन प्रोवाइड किया है जिसे हम बोलते हैं क्लाउड शेल। अगर आप टॉप पे देखेंगे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्लाउड शेल, और जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के लिए, सो क्लिक ऑन क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। तो एक बार जब स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे और इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है पावर शेल, दूसरा है बैश। तो अगर आप यहाँ पे बैश पे क्लिक करते हैं तो ये आपको कंसोल देगा आपके अजोर सीएलआई का, तो यहाँ से आप अजोर सीएलआई की कमांड्स को रन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अजोर पावर शेल को यूज करें तो इसके लिए आप आ जाइए पावर शेल पे, तो ये कनेक्ट हो जाएगा अजोर पावर शेल के थ्रू। तो इस केस में क्या है कि पोर्टल के थ्रू ही हमें अजोर सीएलआई और अजोर पावर शेल का एक्सेस यहाँ पे मिल रहा है, तो हमें लोकल डिवाइस पे जाके कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं वो फुलफिल हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है अजोर सीएलआई या अजोर पावर शेल के थ्रू आपके अजोर एनवायरमेंट को कनेक्ट होने का, देन फर्दर आप यहाँ से रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अपने इनिशियल डायग्राम की, तो हमने डिस्कस किया कि अजोर पोर्टल के थ्रू किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया कि अजोर सीएलआई को किस तरीके से इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर किया जाता है, देन फर्दर कैसे हम उसकी मदद से एनवायरनमेंट को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया अजोर पावर शेल के बारे में और साथ ही साथ क्लाउड शेल के बारे में। तो ये जितने भी टूल यहाँ पे हैं ये सारे के सारे आपके रिसोर्स मैनेजर एपीआई को कॉल करते हैं, एंड अजोर रिसोर्स मैनेजर एक कंसिस्टेंट मैनेजमेंट लेयर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आप चाहे किसी भी टूल को यहाँ पे यूज कर लें लेकिन जो बैकएंड में प्रोसेस होता है रिसोर्स क्रिएशन का वो सेम है, और ये पॉसिबल है आपके अजोर रिसोर्स मैनेजर मैनेजमेंट लेयर की वजह से। इसके अलावा अगर आप अजोर डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट कमांड्स की यहाँ पे मदद ली। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ स्टार्ट AGVM की, तो ये हमारी कमांड है, साथ ही साथ इसके साथ कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप किसी एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन तो है कॉपी करने का, दूसरा ऑप्शन है ट्राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे ट्राइट पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ क्लाउड शेल यहाँ पे आपके लिए अजोर पावर शेल को ओपन करेगा, और यहाँ पे आप अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो ये तीन मेरे टेनेंट हैं, मैं कनेक्ट हो जाता हूँ डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे, तो यहाँ पे जाके आप अपनी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप अजोर सीएलआई से रिलेटेड कमांड्स को टेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा अजोर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। जब आप यहाँ पे ट्राइट पे क्लिक करेंगे तो उस केस में जो ओपन होगा यहाँ पे कंसोल वो ओपन होगा आपके अजोर सीएलआई का। तो ये एक इजी तरीका है आपके कमांड्स को ट्राई करने का और आपके जो अजोर सीएलआई या अजोर पावर शेल कंसोल हैं उनको इजीली एक्सेस करने का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।